काले कानून जो लेकर आए उसके खिलाफ है। पर तो स्टे है एमएसपी। अब आप एमएसपी पर क्यों आ गए? आपने पहले काले कानून की बात करो, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दिल्ली का जो गर्दन है उसको दबा कर बैठे हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको राइट टू प्रोटेस्ट है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप सड़कें बंद कर देंगे। आपकी बात हुई क्या सरकार से? मेरी बात नहीं राकेश जी, आपकी बात होती होगी कि रास्ते ब्लॉक है। दरअसल बात यह है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ये भी तो वही सड़क है। आप खुद यहाँ से हट जाइए, सब अपने आप हट जाएगा। बीमारी है कुछ। जिन कानूनों के विरोध में आप दिल्ली जाना चाहते हैं उन पर स्टे है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। और भी तो बहुत मामले हैं। स्टे लगा है, सीधा सवाल है आपसे, तो फिर आप क्यों जाना चाहते हैं? बस इतना। धान क्या रेट बिख रहा है जी? मैं आपसे रामायण के बारे में पूछ रहा हूँ, महाभारत पे जा रहे हैं। महाभारत में बिख रहा 800 रुपए क्विंटल। लाखों करोड़ों का जो अनाज पड़ा हुआ है भंडारण में उसका क्या करें? उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए आप उत्तर प्रदेश में ज्यादा एक्टिव हो गए। धान अभी कटिंग होगा, वो सीधा धान मंडी में जाता है, वो अभी बिकेगा ना, चुनावों तक ही बिकेगा। एक के हाथ में माइक दे दिया, वही सारा सवाल वही कर रहा। जो कृषि के एक्सपर्ट हो उनको लगाना चाहिए। आप पढ़े लिखे होंगे, 370 के भी एक्सपर्ट नहीं है। आप भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों के एक्सपर्ट नहीं है। आप ठीक है यार, कभी कभी तो कनेक्शन तेरा ठीक पकड़े हैं। ऐसे में हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, या फिर मैं यूं कहूं कि संयुक्त किसान मोर्चा के आप पूरे सबसे बड़े नेता बनकर अब तो आप सामने आ गए। तो ये बताइएगा राकेश टिकैत साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, एक सुनवाई को करते हुए मोनिका अग्रवाल एक महिला हैं, उन्होंने PIL डाली थी, उस पर उन्होंने सुनवाई करी। उन्होंने कहा कि ठीक है आपको राइट टू प्रोटेस्ट है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन सड़कें नहीं रोक सकते। अब आपने जो कुछ किया, आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद यहाँ से हट जाइए, सब अपने आप हट जाएगा। क्यों बीमारी है कुछ? कौन से स्कूल में पढ़े हैं आप? नाराज हो गए? नहीं नाराज नहीं, मैं तो पूछ रहा भाई कौन से स्कूल में। ये कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से हट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहने का तरीका ये। हाँ सुन लिया जो कहा, मैं सुन लिया, मैंने यही तो पूछा कौन से स्कूल में पढ़े हैं। स्कूल का नाम बताओ फिर बताऊंगा। आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ा। आर्मी में देखा अभी क्या भाव बिकता है? जैसे तो गन्ने का भी मूल्य पता है कि 350 समर्थन मूल्य हो गया है, बाकी जगहों पर कम चल रहा है, यहाँ पर फिर भी ठीक मिल रहा है। उस पर नहीं जाएंगे राकेश साहब, राकेश जी उस पर नहीं जाएंगे। अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है कि यहाँ पर बताया गया था हमको कि आप बैरिकेडिंग्स हटा रहे हैं, आप हटा के ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि पुलिस ने रोका है रास्ता, दरअसल आपने नहीं रोका। पुलिस ने तो रोक रखा, हमने तो रोका ही नहीं। गाड़ी से आए होंगे ना राकेश जी? आप पर अभी यहाँ गाड़ी से आए होंगे ना? हाँ तो गाड़ी चल के आई ना? हाँ लेकिन आगे नहीं जा सकती ना राकेश जी। किसने रोक रखा राकेश जी? किसने रोक रखा राकेश जी? देखिए स्पष्ट बात करेंगे राकेश जी, ये देखिए कि बैरिकेडिंग लगी है, पुलिस के द्वारा लगाई गई है, दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाई गई है, वो आप ही की तो सुरक्षा के लिए है। तो रास्ता किसने रोका फिर? बैरिकेडिंग जिसने लगा, कह दीजिए कि हम यहाँ पर नहीं है तो फिर ये क्यों लगे रहेंगे? तो हम भी चलेंगे ना आगे। अब दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, और कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? लेकिन अब देखिएगा राकेश जी, स्पष्ट बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तीनों कृषि कानूनों पर स्टे लगा हुआ है तो फिर अगर आप कोर्ट में भी इसको लेकर खड़े हैं, आप सड़क पर भी इसको लेकर खड़े हैं, एमएसपी पर कौन करेगा? ऐसे तो फिर आपकी डिमांड्स बढ़ती चली गई। आप तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए आए थे, फिर एमएसपी कर गए, फिर आपने नेता की बर्खास्तगी की मांग की, आप बढ़ते चले गए। लेकिन जो मूल है, जो आपका जो प्रोटेस्ट है, एमएसपी भी है, एमएसपी भी तो मूल है। एमएसपी को लेकर भी आप कोर्ट में जा सकते हैं और बिजली अमेंडमेंट बिल और सीड बिल। ऐसे तो राकेश जी फिर मांगों का जो सिलसिला है वो थमेगा ही नहीं। और मांगों का सिलसिला कहाँ थम रहा? हमने कब कहा कि मांगों का सिलसिला थमेगा? ये किसने कहा? राकेश जी आप पहली दफा जब बॉर्डर पर आए थे तब आपने सीधे कहा था तीन कृषि कानून वापस ले लीजिए, हम वापस चले जाएंगे। ले लेते जब ले लेते तो भाई दो दिन का स्टे तो लगा है राकेश जी, आप ये बताइए स्टे तो लगा हुआ है? तो नहीं लग रहा स्टे, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। आपको विश्वास तो होगा, भरोसा तो होगा, कानून प्रक्रिया पर तो विश्वास होगा। कह रहा है कि वो दिल्ली में लग रहा होगा, यूपी के लोग तो नहीं मान रहे उसे स्टे को, ना वहाँ का व्यापारी मान रहा, ना वहाँ की सरकार मान रही, वहाँ तो उसी कानून का पालन हो रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा राकेश जी तो सभी को मानना पड़ेगा, उस पर कौन सी सरकार, क्या पार्षद, क्या विधायक। आप जाओ जहाँ के आप रहने वाले हैं, आपके पूर्वज, आप वहीं जाओ और ये बताओ कि धान क्या रेट बिक रहा है। आप पर्सनल कर रहे हैं, मेरी बात को समझिए। सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है तो आप ये जनता पूछ रही है, आप जनता को बता दीजिए कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ लगा रखा है उसका पालन नहीं हो रहा। यूपी में वे कानून लागू हुए हैं, अब वे कानून बिहार में लागू हैं, पूरे देश में उन कानूनों पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट गलत कह रहा है, आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ पर लगा रखा है लेकिन देश में वो कानून लागू हैं। कैसे मुमकिन है ये? तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी कानून पर स्टे लगाकर बैठा है राकेश जी तो वो कैसे लागू हो सकता है? आप जाओ ना भाई गाँव में,
मंडी के बाहर खरीद हो रही है। तो फिर तो आपको सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए, आपको पीएल खुद डालनी चाहिए आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है, कुछ दिनों पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दिल्ली का जो गर्दन है उसको दबा कर बैठे हुए हैं, आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको राइट टू प्रोटेस्ट है लेकिन ऐसे नहीं है कि आप सड़कें बंद कर देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट तो आपके खिलाफ ही बोल रहा है, आपको तो सुप्रीम कोर्ट को इत्तला करना चाहिए कि दरअसल इत्तला तो हो रही है उनको, बता रखा बताया सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को बता। ठीक है, तो कुछ दिनों पहले राजस्थान हाई कोर्ट के सामने एक याचिका दायर की गई थी, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने ये बात कही कि आप ये समझिए कि कोई चीज़ है, अगर आपने कोर्ट में उसको पहले से कह रखा है वो सब जुडिस है मामला, तो आप फिर सड़क पर क्यों है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और इसके साथ ही सरकार ने भी कहा है कि ठीक है अभी हमने इसको लागू करें। MSP भी तो है। अब आप ये बताइए, अब तीन कृषि कानूनों पर स्टे हो गया, MSP पर भी आपको कुछ मिल जाता है, उसके बाद फिर आप कहेंगे कि अभी तक मंत्री की बर्खास्तगी नहीं हुई, फिर आप कहेंगे बिजली को संशोधित बिल नहीं आया, क्यों नहीं है कहेंगे, यहाँ देश में तो बोलने का तो अधिकार है ना। राकेश टिकैत जी, किसान आंदोलन दरअसल किन मुद्दों पर है? किसान आंदोलन तो एक ही मुद्दा का समाधान करवा दो, वही एक मुद्दा बताइए, एक मुद्दे में सब हो जाएगा, उसमें किसी कानून की उसकी जरूरत ही नहीं। 1967 में जो हमारे फसलों के रेट थे, हम कौन सा सामान बेच के बाजार से क्या चीज़ खरीदते थे, वो केंद्र बिंदु हमारा तय करवा दो। ठीक है राकेश जी, एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, उन्होंने एक बात कही कल, उन्होंने कहा कि सिर्फ वार्ता से ही समाधान है, अब किसानों की और सरकार की वार्ता जो पहले हम देखते थे हर हफ्ते हुआ करती थी, तीसरे दौर की चौथे दौर की, अब राकेश जी वो नज़र नहीं आ रही, तो ये वार्ता नहीं हो रही है, तो वार्ता नहीं हो रही है तो समाधान कहाँ है? और सरकार जब वार्ता करने नहीं जाती ना समाधान, हम संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है, संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा, सरकार समाधान तो संघर्ष की तरफ लेकर जाती है, हम वहां पर जाना नहीं चाहते। सरकार अगर कुछ संशोधन के साथ आपके सामने कुछ रखती है तो आप मानने के लिए तैयार हैं? मतलब हट है, जिद है कि सब कुछ जो चाहिए। आपकी बात हुई क्या सरकार से? नहीं, मेरी बात नहीं, राकेश जी आपकी बात होती होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ राकेश जी, एक और चीज़ कि आप ही के पुराने साथी हैं, उनसे एक दो दिन पहले मुलाकात हुई, भानु प्रताप सिंह जी का जिक्र कर रहा हूँ, भानु भाकियों के भानु गुट के, आप जानते हैं वो, आपको जानते हैं? ना, मैं नहीं जानता कोई, वो तो निकाल दिए थे हमने, वो आप पर काफ़ी आरोप लगा रहे थे, उसको आरोप तो लगा ही करें भाई। तो अब ये बताइए राकेश जी, आपने तो ठीक है बैरिकेडिंग हटा दी, सबने देख लिया, हर चैनल पे चल गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन पुलिस की तरफ से तो नहीं हटी है, आप यहाँ के यही हैं, हमारे पे क्या इलाज है, आप बैठे हैं तो सुरक्षा की भी तो फिर गारंटी सरकार की ही है। अच्छा, सुरक्षा इधर से कौन लेगा सुरक्षा की गारंटी, यहाँ भी पुलिस लगी हुई है, वहाँ भी पुलिस है, ऊपर भी है, तो बताओ हमारे पे क्या इलाज है जब पुलिस लगी रही सुरक्षा, रास्ते ब्लॉक है, दरअसल बात यह है, रास्ते बंद राकेश जी, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ये भी तो वही सड़क है, अरे जब आगे का खुल जाएगा तो हम भी चलेंगे। अच्छा, आप दोनों के बीच में ये चल रहा है कि आप खोलिए, वो कह रहे हैं आप खोलिए, लेकिन जनता तो पिस रही है ना राकेश जी, आप वो खोल देंगे तो आप यहाँ से हट जाएंगे, आपके कहने का मतलब ये है हट जाएंगे, हम भी आगे चलेंगे, आप दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली को बैन है हमारे पे, दिल्ली नहीं जा सकते, जंतर मंतर जाना चाहते हैं, क्या पता हम कहाँ जाएंगे भाई, आप दिल्ली पुलिस के एडवोकेट हो गया? नहीं नहीं, मैं आपसे बस एक सवाल पूछ रहा हूँ राकेश जी, आप दिल्ली जाना चाहते हैं? हाँ, दिल्ली क्यों नहीं जाना चाहेंगे भाई, जाना चाहते हैं, दिल्ली तो देश की राजधानी भाई, जिन कानूनों के विरोध में आप दिल्ली जाना चाहते हैं उन पर स्टे है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, उसके लिए जाना चाहूँ, और भी तो बहुत मामले हैं, MSP राकेश जी, जो बालक पैदा नहीं हुआ उसका मुंडन आप कराने पर क्यों तुले, जब कानून है ही नहीं, स्टे लगा है, सीधा सवाल है आपसे, तो फिर आप क्यों जाना चाहते हैं, बस इतना बताइए, धान क्या रेट बिख रहा है? राकेश जी आप मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए, मेरा सीधा सवाल है, उसका सीधा जवाब दे दीजिए, धान क्या रेट बिक रहा, MSP क्या है? राकेश जी मैं आपसे रामायण के बारे में पूछ रहा हूँ, महाभारत पे जा रहे हैं, मुझे इतना बता दीजिए राकेश जी, धान की खरीद तो अब हो रही, आप दिल्ली में रहने वाले आदमी यहाँ पड़े गाँव का पता नहीं, आपके चैनल पे एग्रीकल्चर को कौन देखता है? ठीक है, हमें भी तो दफ्तर जाना होता है राकेश जी, एग्रीकल्चर को महाराज कौन देख रहा है, एग्रीकल्चर आइडिया होगी कि एक की भर्ती कर ले, सारे डिपार्टमेंट उसे ही देते, इलाज तो देश का नहीं हो गया, भारत सरकार की MSP है 1900 रुपये पर क्विंटल, बिक रहा है 1100 रुपया, बिहार में बिक रहा है 800 रुपये क्विंटल, लाखों करोड़ों का जो अनाज पड़ा हुआ है भंडारण में उसका क्या करे, ये भी तो आपको भी सोचना होगा, किसान की गलती है क्या कि किसानों, सरकार की भी गलती है, नहीं किसान की गलती है क्या कि उत्पादन किसान ने कर दिया, और भी चीजें फिर उस पर अगर हम लोग जाएंगे तो फिर वो बहुत लंबा, भाई तू जाना कहीं पर जाना चाह, जा उसका जवाब दे दूंगा, मैं जा कहीं पर जाना चाह।
राकेश जी सरसों भी उगा सकते हैं, तेलहन भी उगा सकते हैं, चावल। अरे मैं सभी को तो बता रहा हूँ ना, जो MSP भारत सरकार ने तय कर दिया उस पर आप कानून बना दो, सरकार को जितना खरीदना उतना खरीद ले, उसके कम पे कोई व्यापारी खरीद दे उस पर कानून बना दो। तो हट ही नहीं सकती राकेश जी, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, बीमारी का तो कोई इलाज है नहीं। MSP कहाँ हट सकती, कैसे कैसे हट सकती है MSP, ये बताइए। पढ़ा कभी? नहीं मैंने नहीं पढ़ा। और जी भैया कह के ही नहीं कुछ दिया, क्या बताया तू भाई राकेश जी। आप, मैं आपसे सवाल कुछ करता हूँ, आप जवाब कुछ देने लगते हैं। मैं जवाब ही तो दे रहा हूँ, ये कहा हमने, फिर समझ लो, फिर सुन लो ज्ञान की बात। हमने ये कहा कि MSP पे कानून बना दो, सरकार को जितना खरीदना है वो MSP पे खरीद कर ले, किसी व्यापारी को खरीदना है वो MSP के नीचे ना जाए, उसको उसका व्यापार नहीं करना, उसका बाजरे का व्यापार उसको नहीं करना, मत करे कोई किसान बेचने थोड़ा जा रहा है उसको, वो उसके सस्ते पना खरीद दे, उस पर कानून बना दो, जो इसके नीचे पे खरीद करेगा उसको सजा होगी, जुर्माना होगा, मत खरीद करें। तो सेंटर से डिमांड है आपकी, और किससे डिमांड है, आप लोग को पता ही नहीं चला किससे डिमांड है। तो फिर आप राज्य राज्य कैसे, वहाँ पर जाके आपके जो आंदोलन चलने लगते हैं अचानक से, जैसे अभी आरोप लग रहा है आप पर कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए आप उत्तर प्रदेश में ज़्यादा एक्टिव हो गए इस वक्त। मैं जो सख्त बीमार हो उसका इलाज करूं, और जो जान बावड़ा हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए उसका इलाज ही होता। अब ये बताइए, अचानक से किसानों की समस्या बंगाल में हो गई, अब अचानक से उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हो गई। धान की अगर फसल अब आ रही है तो बिकेगी, तो अभी धान अभी कटिंग होगा वो सीधा धान मंडी में जाता है, तो अभी बिकेगा ना, चुनावों तक ही बिकेगा। मैं कह रहा हूँ कि चुनाव तक नहीं, जो अब आ गया फसल अभी कटेगी वो खेत से सीधी बाजार जाती है, अगर फसल अब आ गई है तो अभी जाएगी। राजेश तो सस्ते में अभी खरीदी जा रही है, आप KMP पे जाओ 2000 ट्रक इसी KMP से निकलता है भर के। एक और सवाल था, आप नाराज ना हो तो, आपकी लड़ाई BJP से है कि सरकार से है? सरकार से। सरकार से है, केंद्र सरकार से है आपकी लड़ाई? सरकार से, ठीक है। क्योंकि गन्ना समर्थन मूल्य को लेकर भी चर्चा रही, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, MSP को लेकर भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। आप जानकारी करो, राइट तो यह होगी कि एक के हाथ में माइक दे दिया, वही सारे सवाल वही कर रहा, जो कृषि के एक्सपर्ट हो उनको लगाना चाहिए। आप पढ़े लिखे होंगे, 370 के भी एक्सपर्ट नहीं है, आप भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों के एक्सपर्ट नहीं है, आप 370 पर बोलते हैं। क्या बोला मैंने 370 पर? मैंने ये बोला कि जब से वहाँ की 370 धारा हटी, वहाँ के किसानों को जो ड्यूज होते थे, जो यहाँ से पैसा जाता था सरकारी फंड, वो वहाँ से फंड कट गया, वहाँ के किसानों को नुकसान है। वो ये नहीं कि वो कश्मीर वालों को, ये जो जम्मू से शुरू होता है, यहाँ पे बहुत पैसा जाता था भारत सरकार का, वो उन्होंने फंड देना बंद कर दिया। पहले उनको बिजली फ्री मिलती थी, अब वो उनको चार्ज देना पड़ता है, तो वहाँ की जनता नाराज है, ये कहा मैंने। मैंने उसका वो नहीं करा, हमने कहा कि 370 हट गई, लेकिन उनका फंड जो भारत सरकार से जाता था वो फंड से नाराज है, लोग 370 से नाराज नहीं। चलिए ठीक है राकेश जी, एक और सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी करी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसान आंदोलन की एवज में, किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके अंदर अंदर लखीमपुर जैसी घटना हो जाती है, उसके बाद जो अभी सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ वो कुछ हो जाता है, तो इन घटनाओं की जब ये हो जाती हैं तब कोई जिम्मेदारी लेने नहीं आता, आप भी पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारे यहाँ के नहीं थे, बाहर से आए थे, वो लोग कहते हैं कि आपके थे, तो फिर लेकिन हत्याएं तो हो रही है ना, ये किसने करी लखीमपुर की हत्या? जैसा आपकी जानकारी, जैसा प्यार से बता दो आपकी जैसे जानकारी। वो तो फिर उसमें है, शामिल है गृह राज्य मंत्री का बेटा जो है वो गिरफ्तार भी है, वो तो है ही सब कुछ। गृह राज्य मंत्री कहाँ जाएगा? आप मांग कर रहे हैं, वो अभी तक हुआ नहीं है, बर्खास्त हुआ नहीं ना, गृह राज्य मंत्री भी तो उसमें शामिल है। लेकिन आपने भी तो अपने लोगों का इधर का बचाव कर लिया, नहीं यहाँ कहा कि इसको हत्या नहीं माना जाएगा, इन लोगों ने जो रिटेलिएट किया उसको हत्या नहीं मानेंगे। वो 6 घंटे में जेल चला गया ना, उनको भी जेल भेज दो 6 घंटे में, किसी का तो गिरफ्तार हो गया, बेटे का क्या होगा। लेकिन आप ही तो पहुंच गए थे, आप ही ने वहां पर जाकर, आप ही ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार साहब के साथ बैठकर आप ही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ठीक है अभी ये जांच के लिए इनको समय चाहिए, समय आप ही ने दिया था 5 दिन का, आप ही ने समय दिया था 5 दिन का, 5 दिन हो गए, 5 दिन के बाद मूवमेंट कैसे, 5 दिन के बाद गिरफ्तारी भी तो हुई उनके बेटे की, आशीष की, बेटे नहीं बापू कहाँ जाएगा। अच्छा आप कह रहे हैं उनके पापा को, उनके पिताजी को भी पकड़िए, 120 बीघा मुलजिम है, साजिश की उन्होंने, आप ये कह रहे हैं।
120 भी 302 धारा से भी खतरनाक हो। 120 भी साजिशन। हाँ साजिशन है, उसमें दोषी है और मुकदमा दर्ज है। तो आप कहिए, आपकी तो सरकार से सीधे बात भी होती है, आप कहिए कि हाँ इनको बर्खास्त करिए, इनका इस्तीफा दीजिए, क्योंकि अगर वो सरकार में रहेंगे तो जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। नहीं होने की, ठीक है यार, कभी कभी तो कनेक्शन दे रहा ठीक पकड़े, ठीक है। आपको बी टीम भी बता देते हैं कभी कभी बीजेपी की कुछ लोग, फिर आंदोलन कहीं के लिए चल रहा है जो वही तो समझ। और फिर ये समाधान करवा दो, हम बी टीम है। तो आप उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का चेहरा थे, सबसे बड़ा चेहरा थे, अब देखते ही देखते आप पूरे देश के किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ ही हैं आप। हम तो जो काले कानून जो लेकर आए उसके खिलाफ हैं। उन पर तो स्टे है एमएसपी। अब आप एमएसपी पर क्यों आ गए, आपने पहले काले कानून की बात की, उस पर तो स्टे है। एमएसपी बिजली अमेंडमेंट बिल, सीड बिल, तो बहुत सवाल है। चलिए ठीक है राकेश जी, अभी आपने यहाँ पर साफ कह दिया है कि हमने यहाँ से हटा लिया, आप भी हटा लीजिए, रास्ता खोल देंगे। हमारा पहले से भी हटा हुआ था। आप कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से जो कुछ है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। तो अभी राकेश टिकैत जी हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो तो पहले से ही यहाँ से हटे हुए हैं, दरअसल दिल्ली पुलिस है कि जिसकी वजह से ये रास्ते जो है यहाँ पर ब्लॉक है, दरअसल दिल्ली पुलिस है कि जिसकी वजह से यहाँ से लोग जो है आ जा नहीं पा रहे। बाकी राकेश जी ने बाकी तमाम मुद्दों पर भी हमसे बातचीत की और खुलकर उस पर चर्चा भी की है, हालांकि वो थोड़ा सा नाराज नजर आए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं चलता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।